ऐसे अच्छे ग्रंथ हमारी परंपरा में हैं, भारतवर्ष में हैं, तो ऐसी अच्छी बातें आप उनको करें। इसके लिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर, उनका हृदय अमृत है, और वो है घर सभा। हमारे बीएपीएस संस्था में लाखों परिवार ये घर सभा नित्य करते हैं। वो क्या है, हफ्ते में दो बार रात को आपको 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए परिवार जन सबको साथ में बैठना है फॉर प्योर स्पिरिचुअल सेशंस। प्रथम 5 मिनट जो भी भगवान में आपको श्रद्धा है, भगवान का नाम स्मरण करें, और 10 मिनट ऐसे ग्रंथों का कुछ पठन करें, रोज अलग अलग फैमिली मेंबर ये पठन करें, फिर 5 मिनट आप चर्चा करें, आपने क्या सुना, आपने क्या, आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में, वो कुछ चर्चा करें। इसको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। हमें तो अनुभव है हमारी संस्था में, देश प्रदेश में लाखों परिवार ये घर सभा नित्य करते, तो उनके परिवार के लिए समय दे पाते हैं, संस्कारित कर पाते हैं, उनको श्रद्धा सिखा सकते हैं। और पारिवारिक प्रश्न, पारिवारिक उलझने, उनके समाधान भी है यहां आए। हमने घर सभा नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की, उसमें ये प्रसंग लिखे हैं। उस व्यक्ति की अनुमति के बाद नाम और गांव और शहर के, और वो प्रसंग पूरा डिटेल में लिखा है। कोई परिवार में सास और बहू के बीच प्रश्न थे, वो घर सभा में साथ में बैठे तो वो प्रश्न का सुझाव आया, एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर हुई, फ्रिक्शन था वो दूर हुआ। पिताजी और लड़के के बीच, लड़के एक बार फैमिली बिजनेस में आ जाते तो छोटा मोटा प्रश्न कुछ होता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो कुछ ये घर सभा से दूर हुआ। ऐसे हजारों प्रसंग बने, सभी के परिवार में हम समझ सकते हैं, सभी बुद्धिशाली अपने अपने अभिप्राय होते हैं, तो थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, मतभेद रहता है, उसमें से मनभेद भी आ जाते हैं, हाँ या ना। और यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो है ही, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, दैट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। दुनिया में जितने केस दर्ज हुए हैं कोर्ट में, उसमें से 60% ये मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के केसेस हैं। मुझे कई बार मन में प्रश्न होता था कि इतना बड़ा लंबा नाम कैसे सिलेक्ट किया, छोटे नाम है ना, अंकल है, नेफ्यू है, नीस है, तो ये मदर इन लॉ, मतलब मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ, इतना लंबा नाम क्यों सिलेक्ट किया, कैसे ये नाम बना। पहले तो छोटा कुछ नाम नहीं याद आता था क्या, छोटा नहीं बन सकता था क्या। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये रिलेशनशिप नेचुरली लॉ की तरफ जाता है, ये रिलेशनशिप की टेंडेंसी है, स्लोप पे खड़ा है, वो नेचुरली लॉ की तरफ जाता है, इसलिए डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ। फिर दूसरा प्रश्न मेरे मन में हुआ, डॉटर कभी डॉटर इन लॉ बनती है, मदर कभी मदर इन लॉ बनती है, सन कभी सन इन लॉ बनते हैं, फादर कभी फादर इन लॉ बनते हैं, वाइफ कभी वाइफ इन लॉ नहीं बनती, देखना। पता है क्यों? शी इज द लॉ, शी इज द लॉ इन द हाउस, इसलिए वो कभी इन लॉ नहीं बनती। ये तो एक जोक है, हंसने की बात है, लेकिन कहने की बात यह है कि ये हम मान लेते हैं घर सभा में जब बैठते हैं तब ये ऐसे कई प्रश्न के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, फ्रिक्शन के, सभी वहां सॉल्व हो जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी एडवाइस देते थे कि आपकी लड़की, ये फैमिली वैल्यूज की जब बात आती है, आपकी लड़की को जब आप विदा करते हो ससुराल में शादी के बाद, उस वक्त उनको ये एडवाइस देना कि बेटा देखो वहां घर नया है, सब परिवारजन नए हैं, ठीक है थोड़े पहचानते हैं, लेकिन सभी के स्वभाव प्रकृति तो डीप में जानते नहीं, सभी की खाने पीने की आदतें अलग होती है, खाने पीने के समय अलग होते हैं, तो बेटा 2 साल तक पेशेंस रखना, धैर्य रखना, जेल होने का प्रयत्न करना, प्रथम दिन से सब आपको अनुकूल हो जाएंगे, ऐसी बात की अपेक्षा मत रखना, ये एडवाइस देनी चाहिए आपको। एडवाइस क्या देते हो? चिंता मत करना। दूसरी एडवाइस क्या देते हो? थोड़ी भी अगर तेरी सास कुछ बोले ना मुझे फोन करके बता देना। अब हंसते हो, मतलब मैं ठीक बात कर रहा हूं ना, अब बोल रहा हूं कि आपके घर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कैमरा सीसीटीवी रखे हैं, ये सलाह देते हो, ये मतलब ये एडवाइस देते हो, यू आर रॉन्ग, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर। जो लड़का होता है उसके ऑफिस में कुछ उसको सहन करना पड़ता है, जो लड़की हो ससुराल में थोड़ा सहन करना पड़ता है, सहन शक्ति थोड़ी सिखाओ कि बेटा अगर कुछ काम है, बात करनी है तो 2 महीने में एक बार बात कर लेना, वरना वो तेरा अब घर है, तू वहां रहेगी, उसमें
उस फैमिली की क्रेडिट है, हमारी क्रेडिट है, आपकी क्रेडिट है, और थोड़ी तकलीफें तो होगी। और ये बात दूसरी प्रमुख साई महाराज सिखाते थे, तो आपकी लड़की को ये कहना कि अगर ये आपके सास या ससुर या कोई और फैमिली मेंबर आपको कुछ डांटे, कुछ कहे, कुछ टॉन्ट मारे, ये कुछ करे, तो उस वक्त मौन रहना। वो गलत है या सही है वो मत सोचना, उस वक्त मौन रहना, बड़ों की मर्यादा रखना। और गलत बात सहन करने की भी जरूरत नहीं है। दो दिन के बाद आप प्रेम से अपनी सास के साथ बैठे कि माता जी आप ये बात कर रहे थे परसों, लेकिन बात ये थी, पिताजी के साथ बैठे कि आप ये बात कर रहे थे लेकिन बात से थे, क्लैरिफिकेशन करना है, कोई गलत बात सहन नहीं करनी है। लेकिन उस वक्त जब आपसे उम्र में बड़े हो वो आपको कुछ कहते हैं, तो उस वक्त मुंह बंद रखना और सुन लेना, वो संस्कार है। अगर आपने अपनी लड़की को ये सिखा कि उस वक्त तू जवाब दे देना, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स कैरेक्टर, यू आर स्पॉइलिंग योर डॉटर्स फ्यूचर, और आपने अपने लड़कों को संस्कार नहीं दिए, वो साबित हो जाते हैं। जब बड़े हो मर्यादा तो रखनी पड़ती है बड़ों की, वरना परिवार पारिवारिक मूल्य कैसे चलेंगे, समाज की व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, सिविलाइजेशन किसको कहते हैं। अगर आपने ये एडवाइस दी और लड़का हो या लड़की हो बड़ों के सामने बोले, तो योर सीए गोज इन डस्टबिन, योर एमबीए गोज इन डस्टबिन, योर सीएस गोज इन डस्टबिन, योर इंजीनियरिंग गोज इन डस्टबिन, क्योंकि आप पढ़े। लेकिन बड़ों की मर्यादा किस प्रकार से रखी जाती है वो तो सीखा नहीं आपने, जो मुख्य मूल्यवान बात है वो तो सीखे नहीं आप, तो ये सिखाना। तो ये बात प्रमुख स्वामी महाराज बहुत सिखाते थे, ये फैमिली वैल्यूज की बात है, ये संस्कार करने की बात है, और ये घर सभा से ये सभी बातें आपके परिवारजन सीखेंगे। हमारे वहां डॉक्टर नीलेश पटेल है, लंदन में बीए पीएस के अनुयायी हैं, उन्होंने नित्य घर सभा चालू की, मैं बात करता हूं 20 साल पहले की। वे अपना प्रसंग कहते हुए बात करते हैं कि जब से हमने घर सभा शुरुआत की तब से हमारे घर में परिवार में कुछ अजीब सी शांति और प्रेम परस्पर की अनुभूति हम सभी को होती है। वे कहते हैं कि हमारे बच्चों के रिजल्ट्स इंप्रूव हो गए, एकेडमिकली इंप्रूव हुए हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीट में जब हम स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है और जब हम स्कूल जाते हैं, तब टीचर्स अन्य पेरेंट्स को मुझे और मेरी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं कि देखो डॉक्टर नीलेश एंड हिज वाइफ हाउ दे हैव ट्रेन देयर चिल्ड्रन, क्या कल्चर दिया है। ये दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो जिस तरह से सुबह में पंचांग प्रणाम अपने माता पिता को करते हैं, बीएपीएस संस्था में ये प्रणाली का है कि हर परिवार में छोटे बच्चे माता पिता को पंचांग प्रणाम करते हैं रोज सुबह, भगवान के तो चरण स्पर्श करते ही हैं लेकिन पंचांग प्रणाम करते हैं। स्कूल जाके अपने टीचर को भी क्लासरूम में पंचांग प्रणाम करते हैं, तो ये व्हाइट ब्रिटिश टीचर्स तो देखते ही रह जाते, व्हाट आर दे डूइंग। तो ये संस्कार है। तो डॉक्टर नीलेश कहते हैं कि हमारी भी वैल्यू हमारे बच्चों ने बढ़ा दी, एकेडमिकली अच्छे हुए, क्रेडिट भी बढ़ा दी, उनके एग्जाम्पल्स टीचर्स और बच्चों को और पेरेंट्स टीचर्स मीट में पेरेंट्स को देते हैं। इस प्रकार का वातावरण आपके घर में भी खड़ा हो, क्या आप ये चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, चाहते हैं इस प्रकार का वातावरण? तो ये दोपहर में हमने भी 2 घंटे निकाले, आपने भी 2 घंटे निकाले आपके कीमती समय में से, तो और कुछ अगर लेके आप ना जाए तो ये घर सभा की बात लेके जाना, हफ्ते में 2 बार करना, ट्राई तो करना।